हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मीज फूड बास्केट। तो आज हम बनाएंगे प्याज के समोसे। प्याज के समोसे बनाने के लिए हमें पहले समोसा पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी मैदा ले लिया है, साथ में लिया है पानी, इसका आटा गूंदने के लिए थोड़ा सा तेल और एक चम्मच नमक। तो पहले हम एक चम्मच नमक को इस मैदे में डाल लेंगे और साथ में ही हम डाल लेंगे 2 चम्मच के आसपास तेल। अब हमने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हमने तेल और नमक को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपने इसको एक बार इस तरीके से चेक कर लेना है, अगर ये अपनी शेप होल्ड करेगा तो अब ये रेडी है। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। तो अब हमारा ये डो बन गया है, इस पे हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो अब हमारे आटे को आधा घंटा हो गया था। उसके बाद आपने आटे की जितने भी पेड़े बनेंगे उतने बनाने हैं और सभी पेड़ों को इतनी शीट में बेल लेना है। मैंने 5 शीट्स बनाई हैं। अब इन 5 शीट्स को आपने एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो उसके लिए पहले आपने एक शीट ले लेनी है, उस पर आपने लगाना है थोड़ा सा ऑयल, इसे आप अच्छे से फैला लेंगे। ऑयल के बाद हमने इसके ऊपर लगाना है सूखा मैदा। सूखा मैदा लगाने के बाद हम इस पर अपनी दूसरी शीट रख देंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम बाकी की शीट्स रखेंगे। पहले तो अब हमने ये सारी शीट्स को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब हम इसे रोल कर लेंगे एक बड़ी पतली शीट में, लेकिन वो शीट आपके तवे के साइज की ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब हमारी ये शीट रेडी हो गई है, अब हम इसे तवे पर सेक लेंगे। हमने इसे दोनों तरफ से सिर्फ 30-30 सेकंड तक पकाना है। अब आप देख सकते हैं हमारी शीट उठने लग पड़ी है, यानी कि ये दूसरी तरफ से पक गई है। अब हम इसे टर्न कर देंगे। तो अब जब तक हमारी शीट हल्की ठंडी हो रही है, यहां मैंने प्याज ले लिया है जिसे मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, हल्की सी लाल मिर्च, 1 चम्मच मोमो चटनी और 1 चम्मच टोमेटो केचप। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ एक पैन में मैंने तेल गर्म कर लिया है, इसमें हम अपनी प्याज की फिलिंग डाल देंगे और इसे हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो जब तक हमारी मोमो की फिलिंग पक रही है, तब तक हम अपनी शीट्स अलग कर लेंगे। तो पहले चाकू से हल्का हल्का इसे साइड पे कर लेंगे। तो ये हमारी एक शीट निकल गई है, इसी तरीके से हम बाकी की निकाल लेंगे। तो अब हमारी शीट्स रेडी हो गई हैं, हम इनकी साइड्स कट कर लेंगे। इन साइड्स को हम बाद में फ्राई करके खा सकते हैं। अब हम इस शीट को सेंटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारी समोसा पट्टियां रेडी हैं। तो अब हमारी जो प्याज की फिलिंग है वो भी रेडी हो गई है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है, हम पेस्ट बना लेंगे समोसे बनाने के लिए। यहाँ मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक थिक पेस्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ हमारा ये पेस्ट रेडी हो गया है, अब हम समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारी फिलिंग ठंडी हो गई है, हमारी समोसा पट्टियाँ भी रेडी हैं और हमारा पेस्ट भी रेडी है। तो अब हम समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक समोसा दिखा देती हूँ कि हमने कैसे बनाना है। तो पहले हम एक पट्टी को हाथ में लेंगे, उसको आधे तक फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस पेस्ट की हेल्प से सील कर देंगे।
यहाँ पे हमने इसे सील कर दिया। अब हम इसके सेंटर में फिलिंग डालेंगे। फिलिंग डालने के बाद हम जो पट्टी बाहर को बचती है उस पे अच्छे से पेस्ट अप्लाई कर लेंगे और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो बाकी की पट्टी बचती है उस पे भी सेम इसी तरीके से हम पेस्ट अप्लाई करेंगे और उसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा एक समोसा रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी के समोसे बना लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे सारे समोसे रेडी हो गए हैं और यहाँ मैंने तेल गर्म कर लिया है। अब हम एक कप करके इसे तेल में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो अब ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारे समोसे रेडी हैं, हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।